आज पता नहीं क्यों सुबह से मेरा दिल में बैठा जा रहा है। असल सुबह से तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगता है अभी कुछ होने वाला है। कुछ ऐसा क्यों लगता है मुझे कि अभी पूंजा लगने वाला है? लगता नहीं, मुझे लग रहा है एहसास हो रहा है। होने वाली एक स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टाइम। तो सबसे पहले मैं करूंगी गिफ्ट अनबॉक्स। आई एम सो सॉरी, ये आपने मेरे को काफी टाइम से भेजा हुआ है, मैं खोल नहीं पाई। मतलब मेरा मूड खराब रहता है ना, तो फिर मैं खोल भी नहीं पाती गिफ्ट। मैं सोचती हूँ किसी अच्छे टाइम खोलूंगी, रिकॉर्ड करते हुए खोलूंगी। तो ये मेरे पास 2-3 महीने का पड़ा हुआ है, और एक और पार्सल आया है ये जो पीछे पड़ा हुआ है, ये भी खोलूंगी। सबसे पहले उन्होंने मेरे को भेजा ये एक फ्रेम, फिर उन्होंने भेजा मेरे को एक लेटर, ये मैंने पढ़ा था लेटर। थैंक यू, मेरे थैंक यू बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वाओ, थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत मेहनत की है, कितना प्यारा बनाया। और इन्होंने ये इयररिंग्स वगैरह खुद बनाए सारे, और मेरा फोटो ये देखे, बिल्कुल मेरे साइज का, सही है ना? थैंक यू। और बहुत सारे कांटे बनाए हुए जो इन्होंने खुद हाथ से बनाए। वाओ, ये खुद हाथ से बनाए, वाओ यार। अच्छा, मैंने लगाए हुए जो अभी मैंने लगाया, आउटफिट इसके साथ कितने सही जा रहे हैं, है ना? अब हम दूसरा गिफ्ट खोलेंगे। और ये आया मेरे को हैदराबाद से, खुशी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। क्या ये हुडी के अंदर की कुछ चीजें पड़ी हुई है? वाओ, ये हैंडमेड है, कोको भी लिखा है ऊपर, नाइस ना। थोड़े बाल लंबे हो जाएंगे ना, फिर पहनूंगी। सोई अभी पहन सकती हूँ, वैसे अच्छा लग रहा है, नकली बाल लगा सकती हूँ, बाल होते हैं। अच्छा जी, खुद तो काटे थे मैडम आपने? लिटरली बाल काटने के बाद ना मेरा दर्द कम हो गया सर्वाइकल का। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी अलग सी है, आई थिंक खोलेगा। वाओ, आई विल फिगर इट आउट। अंग्रेजी, वाओ, मी एंड जम्मू, आई लविंग इट, थैंक यू सो मच। लोग मेरे से प्यार करते हैं यार, मतलब सच में लोग मेरे से प्यार करते हैं क्या? सीरियसली, इतनी सुंदर तो नहीं हुए यार। तो ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम विद मेकअप। ये मैं राजू को थोड़ा छुआ के लाई हूँ, कंसीलर वगैरह वगैरह सामान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये मैंने थोड़ा सा लिखा है कि पॉइंट्स याद रखने के लिए कि मेरे को आज की वीडियो में क्या क्या बोलना है। तो ये जैकेट मैंने सरोजनी से ली थी, ऐसे ऊपर से आपको देखने में बड़ी कूल लग रही होगी, बट ये नीचे से कटी हुई है और नीचे से कुछ खराब हो गई होगी, तो बंदे ने काट दी। तो लेटर टाइम मेरे को कलर ब्राउन मेरा फेवरेट है, तो मैंने ले ली। तो घर आके मैंने देखा कि ये नीचे से कटी हुई है। सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। मेकअप करते करते स्टोरी टाइम कैसे करता है कोई, मेरे को तो हंसी आ रही है। तो ये बात तब की है जब मैं छोटी होती थी। हुआ क्या कि जब मैं छोटी होती थी ना, छोटी मतलब बहुत छोटी, बेबी इतनी सी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं छोटी होती थी, क्यूट सी बेबी होती थी, जैसे सब बच्चे क्यूट से होते हैं, मतलब दूध पीने वाला बेबी होता था जब मैं। तो जो बॉटल दूध पीने वाली होती थी, उसका जो ऊपर वाला गोल गोल होता था ना, जिसमें आगे निप्पल लगी होती थी, तो मैं जब दूध पी रही होती थी तो मैं वो गोल गोल भी मुंह के अंदर डाल लेती थी, जिस वजह से मेरा जबड़ा जो है ना, ये वाला, ये बाहर आने लगा। मैं फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर मैं क्या करती थी, मम्मा मेरे को बताते थे कि मैं क्या करती थी, अपने दोनों हाथ पूरे मुंह के अंदर, हाँ अभी तो डाल नहीं पाऊंगी, पर तब हाथ भी छोटे छोटे होते थे, पता नहीं मुंह मेरा राक्षसों वाला होता था क्या होता था, कि हाथ भी दोनों में अंदर डाल के रखती थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जबड़ा और मेरे दांत ना, बेबी टीथ भी दांत बाहर आ गया ऐसे, जो पप्पू पटेला वाला बनती हूँ ना, वो वैसे मतलब ऐसे हो गए थे, मतलब लिटरली बिल्कुल। अभी तो मेरे दांत ब्रेसेस लगवाए, तो मेरे दांत थोड़े सेट हुए, तो मेरे दांत बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो जब मैं छोटी होती थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह हंसती थी, खेलती थी, इंजॉय करती थी अपनी लाइफ। जब वो हो रही होती है ना, क्या बोलते हैं, एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम आई वॉज द स्टार किड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी और मेरे को हर चीज पता होती थी, ये घोड़ा, ये कुत्ता, ये बैल, ये सेब, ये अनार, हर चीज मेरे को नॉलेज थी, बेसिक चीजों की बिल्कुल नॉलेज थी मेरे को। तो उन्होंने मेरे को ले लिया, हम लगाएंगे आईब्रो सेट करने वाला। यार इतनी इमोशनल स्टोरी है और मैं मेकअप करते हुए सुना रही हूँ, इट्स नॉट फेयर यार, सेट ही नहीं हो रहा। थोड़े बाल निकाल देती हूँ, ठीक है, आईब्रो पे। ओ उछ, पागल है क्या, पंगा कर रही हूँ मैं, पंगा कर रही हूँ मत कर। तो मैं क्या कह रही थी कि ये पंगा है यार, मेकअप करते करते कैसे लोग स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग फुल इमोशंस के साथ सुनाती हूँ। क्या हुआ कि मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रही थी, ठीक है, फिर मेरी जिंदगी में आई एक आंटी, वो आंटी हमारी दूर की रिश्तेदार है, ठीक है, कोई क्लोज व्लोज भी नहीं है इतने, ठीक है। तो मेरे को दादी माँ ने बोला कि उनके घर में एक स्नेहा दिया, मतलब गई तो मैं अपने रिलेटिव के घर थी, वहां पे वो आंटी भी आई हुई थी। मैंने बोला कि अच्छा, मैं सुना के सबको नमस्ते करके जा रही हूँ। 5-6 आंटियां कुर्सी लगा के बैठी थी छत पे, ठीक है, मैंने बता दिया जिस आंटी को मैंने बताना था। तो वहां पे वो दूसरी आंटी भी बैठी थी, जो उसको देख के गुस्सा आता, उसने एक छोटे से बच्चे की खुशी छीन ली यार। मतलब तब मैं कोई हुई होंगी 3rd 4th क्लास, उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि मैं दंदली हूँ। दंदली मतलब जिसके दांत बाहर निकले होते हैं ना, उसको दंदली बोलते हैं, मतलब घटिया लोग बोलते हैं, अच्छे लोग नहीं बोलते कभी। तो उसने मेरे को बोला कि बेटा इधर आ, मेरे को बड़े प्यार से उसने बुलाया, ठीक है। मैं बोलती हूँ हाँ, मेरी गोदी में बैठ, मैं उसकी गोदी में बैठ कैसे कर रही हूँ,
नमस्ते, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ. एंड शी वॉज लाइक, बेटा आपके दांत ना बाहर है. एंड आई वॉज लाइक, हाँ पता नहीं बाहर क्या होता है, आई डोंट नो, मैं तो छोटा बेबी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. कहती आप ना हंसा मत करो, आपके दांत बहुत गंदे लगते हैं, ऐसा है ना बाहर आपके दांत. उसने करके दिखाया लिटरली. एंड आई वॉज लाइक, मैं ऐसे करती ऐसे 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 कर रही और ऐसे हो गई. अच्छा ठीक है. घर भागती भागती आई मैं, और मैंने आते साथ अपने दांत शीशे में देखे कि मेरे दांतों को क्या क्या आंटी ऐसा क्यों बोल रही थी. आंटी बोलती हंसा मत कर, तेरे दांत गंदे लगते हैं, ऐसे बाहर निकले मुंह बंद रखा कर. बाय गॉड, उसकी बताई हुई बात पे मैं पूरी जिंदगी चली हूँ. उसने बोला दांत मत दिखाया कर, तू गंदी लगती है. मैंने बोला ठीक है, और मैंने घर आके शीशे में अपनी दांत देखे और मैंने देखा कि लिटरली मेरे दांत तो बाहर है, मेरे दांत तो ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ है. फिर मैं ऐसे करके देखा, स्माइल करके देखा, मैंने देखा यार मेरी स्माइल तो लग रही है अजीब, बाकी जैसी नहीं लग रही. पर तब भी मेरे को पता नहीं था कि इसको अजीब या गंदा या बच्छकला कहते हैं. एक छोटे से थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों को क्या पता बच्छकला क्या है, सुंदर क्या है. आजकल के बच्चों को तो पता होता है कि सुंदर क्या है, बच्छकला क्या है. पर तब के छोटे से बेबी को क्या पता उस जमाने के बच्चे को कि सुंदर क्या है, बच्छकला क्या है. और आप उस बच्चे को डायरेक्टली कह रहे हो कि तू सुंदर नहीं है, तू हंसा मत कर. हाउ कैन यू इवन से कि एक छोटे से बच्चे को कि तू हंसा मत कर. आपने उस बच्चे से उसकी हंसी छीन ली आंटी. उस आंटी पे मेरे स्टिल गुस्सा आता है. और बाय गॉड आपको एक बात बताती हूँ, मैंने बड़े होकर उस आंटी को देखा ध्यान से, वो आंटी खुद उसके दांत बाहर है. आई थिंक सो उस आंटी को लोगों ने कहा होगा ना कि तेरे दांत बाहर है, फिर उसको ये इनसिक्योरिटी होगी होगी, ठीक है. अब उसने ये इनसिक्योरिटी मेरे में इसलिए डाली ताकि कोई मेरे को ना बोल दे कि मेरे दांत बाहर है. इसलिए उसने मेरे को आगाह कर दिया पहले से कि तू हंसा मत कर, तेरे दांत बाहर है, तेरे दांत गंदे लगते हैं. उसने मेरे को पहले ही बोल दिया ताकि कोई और ना बोले. वो मेरी लाइफ का पहला इंसान था जिसने मेरे को ऐसे दांतों के बारे में बोला हो. और यार अच्छा कर रही हूँ यार, आजकल लड़कियां कंसीलर लगाती हैं. अच्छा हमको तो पता नहीं था. कंसीलर हर जगह लगाती है मैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आजकल फाउंडेशन लगाने का रिवाज नहीं है, मैंने सुना है ये बात. मैं फिर घर आई, फिर मैं दुखी होगी, ठीक है. फिर मैंने हंसना छोड़ दिया. बाय गॉड मैंने हंसना छोड़ दिया, मैंने किसी के आगे मुंह खोलना छोड़ दिया, मैंने किसी से बात करना छोड़ दिया. ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ आज भी है. चाहे मैंने ब्रेसेस लगवाए, चाहे मैंने दांत अंदर करवा लिए, बट स्टिल आई एम इनसिक्योर किसी के आगे मुंह खोलने में, किसी के आगे हंसने में, किसी से बात करने में. जब मैं इवेंट में गई थी मैंने वहां पे इतना अवॉइड किया सबसे बात करना, क्योंकि मेरे को स्टिल लगता है कि लोग मेरे दांतों की तरफ देख रहे हैं, लोग मेरे को हंसता हुआ देख लेंगे, लोग मेरे को बोलेंगे कि तू बच्चक लिया, तू हंसा मत कर. एक बच्चा जो होता है ना वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, आप उसको जो बोलोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है. तभी बच्चे का जो ट्रॉमा होता है ना वो हमेशा इसलिए जाता है उसके साथ, क्योंकि वो एक स्पॉन्ज है यार. आप बड़े हो जाओगे आपको समझ होगी कि क्या एब्जॉर्ब करना है और क्या एब्जॉर्ब नहीं करना है, पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करनी है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करनी. पर एक छोटे बच्चा जो है वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, चाहे पॉजिटिविटी चाहे नेगेटिविटी. वाह क्या लाइन मारी है, मेरे को खुद नहीं पता था मैं इतनी समझदार हूँ. वाह यार फ्लॉलेस, लिटरली यार सही किया मैंने. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. बनना देगा तो ये मेरा पाउडर है, इसको कहते हैं लूज पाउडर. इससे हम अपने मेकअप को सेट करेंगे. सेट मतलब सेट, जो मुझे किसी ने नहीं किया. ओ ये क्या ज्यादा लग गया, बहुत ज्यादा लग गया बेटे. ये हो रही है बेकिंग, जैसे केक को बेक नहीं करते वैसे लड़कियां भी अपने आप को बेक करती हैं आजकल. यार ये क्या, ये तो ज्यादा है बहुत. अच्छा लड़कियां ऐसे करती हैं पहले. अरे लड़कियां क्या करती हैं, तुम भी तो लड़की ही हो. देखो ये बंदे को सुंदर करने के लिए नहीं है पाउडर. पहले मेरे को लगता था पाउडर जो है वो लड़कियों को सुंदर कर देता है, बट मेरे को बड़े होकर समझ आई कि पाउडर जो होता है वो कंसीलर को सेट कर, मतलब आपको रिंकल नहीं पड़ेंगे. मतलब रिंकल तो पड़ेंगे बट आपके रिंकल आपके मेकअप को अफेक्ट नहीं करेंगे. कुछ ज्यादा ही हो गया. अब तो मैं भूत लग रही हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा. शिट यार ये तो अंदर चला गया. आईब्रो पे भी लग गए. चलो छोड़ो. फिर क्या होता है कि मेरे मन में ये बात बैठ गई, इग्नोर करना शक्ल को, ठीक है. यार शक्ल को कैसे इग्नोर करें, कोई वही तो बचपन से ये बात डाल के कि योर शक्ल इज इम्पोर्टेंट, शक्ल इज इम्पोर्टेंट. अब बंदे के लिए शक्ल इज इम्पोर्टेंट यार. आपने उस बंदे को जीने नहीं दिया, उस बंदे के माइंड में स्टार्टिंग से ही डाल दिया कि तेरे दांत ऐसे, तेरे स्माइल ऐसी, तू ऐसा वैसा. जीने दो यार, हर किसी का हक है जीने का, खेलने का, हंसने का. हंसना तो सबका हक है यार. जैसे कुत्ते होते हैं ना, सबकी शक्ल सेम होती है, सबके दांत सेम होते हैं, वैसे इंसान सबकी शक्ल सेम होनी चाहिए, सबके दांत, सबका थोबड़ा, सबका कलर, सब कुछ सेम होना. कोई इनसिक्योर नहीं होगा, सब खुश रहेंगे, सब हंसेंगे, सबको हक होगा हंसने का. यार अभी भी सबको हक है, बट हम कुछ लोगों को कह देते हैं कि तुमको हंसने का हक नहीं है. ऐसे कैसे किसी को हंसने का हक नहीं है यार. सेकंड पॉइंट, एनुअल डे. हुआ क्या कि मैं डांस कर रही थी, जैसे हर स्कूल में एनुअल डे होता है वैसे मेरे स्कूल में भी एनुअल डे था. तो मैं डांस कर रही थी. अब मेरी लाइफ की दूसरी विलन आती है यहाँ पे, ठीक है. पहले तो वो ये आंटियां बड़ा काम खराब करती हैं, पता है. एक्चुअल में ये आंटियां ही होती हैं जो ज्यादातर काम खराब करती हैं. देखो फर्स्ट आंटी जो थी जिसने ये बात बोली,
उसने तो चलो एक तरह से अपना कंसर्न दिखाया, मतलब मैं मानती हूँ वो कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में उस आंटी के साइड से देखा जाए तो आंटी ने एक तरह से मेरे को ठीक बोलने की कोशिश कर रही, ठीक है। अब दूसरी आंटी जो है ना, उसने अपनी तरफ से भी ठीक नहीं बोला, शी नोज शी इज अ विलन, ओके। सेकंड आंटी ने क्या किया, एनुअल डे था स्कूल में, मैं डांस कर रही थी, ठीक है, तो बीच बीच में ना मैं दांत भी निकाल रही थी क्योंकि इनसिक्योरिटी थी भाई, भर भर के थी, मैंने दांत नहीं निकाले, अरे मेकअप करना बहन, मैंने दांत नहीं निकाले, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं लिपसिंग कर रही थी काली की, तू है यहाँ, तू क्यों नहीं जाता यहाँ से, जिंदगी झंड क्यों करके रही है तूने, ठीक है, ऐसे गा रही हूँ मैं साथ साथ गाना। एनुअल डे के अगले से अगले दिन या अगले दिन आंटी आई घर पे, ठीक है, बोलती तू एनुअल डे में थी ना, मैंने बोला हाँ आपने मेरे को देखा, मैं खुश हो गई। अब देखो आपको बोलेगा कि आप एनुअल डे में थे, आप डांस कर रहे थे स्टेज पे, तो वो बच्चा ऑब्वियसली बच्चा है यार, वो तो खुश होगा ही। अब मैं कोई फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, वो बच्चा खुश हो गया, मैंने बोला हाँ, ठीक है। उसके आगे मैंने आंटी के आगे दांत निकाले ऐसे, हाँ आंटी खुश होगी मैं तो। आंटी बोलती देखा मैंने देखो पहचान लिया, हम वो लास्ट में बैठे थे लास्ट में, मैंने बोला आपने मेरे को तब भी पहचान लिया, कहती हाँ मैंने देखो तब भी पहचान लिया। आंटी बोलती पता कैसे, मैंने बोला कैसे, आंटी बोलती तेरे दांत जो है ना निकले हुए दूर से दिख रहे थे। और उस आंटी के सामने भी मैं ऐसे ऐसे हो गई। अब अगर ये आंटी वाली वीडियो देख रही है तो उसको याद नहीं होगा, बट उस आंटी ने एक्चुअल में मेरी जिंदगी झंड कर दी है बोल के, क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो अब्सॉर्ब करेगा ना। लिटरली मैंने स्कूल में सबसे बात करना छोड़ दी, मैंने हंसना छोड़ दिया, मैंने घर पे भी बोलना छोड़ दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना छोड़ दिया, यार टीचर कुछ पूछ रही है वो भी बोलना छोड़ दिया, मैंने खेलना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि मैंने दोस्त बनाना भी छोड़ दिया, मैं क्लास में अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे तो आपकी दोस्ती भी नहीं रहने वाली। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फनी वीडियो में रोऊंगी, फनी तब होती है ना कि जब फनी हो। बाय गॉड मेरे को अब वो जो आंटी मिलेगी ना, उसने तो छोटे, एक्चुअली मैं देखो अब मेरे को ऐसा बोल दो कि अब तो मेरे दांत अंदर हैं, अब तो मैं ठीक लगती हूँ, ठीक है, अब मैं मेरे दांत ठीक लगते हैं, ठीक है, बट बात यह है कि जो वो जो पास्ट में जो हो गया ना, उस वजह से ना मैं अभी को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी भी लोगों के आगे मुंह नहीं खोलती, मैं बिल्कुल ऐसे मुंह टाइट करके बंद कर देती हूँ। ये मेरे को अभी भी वो छोटा सा बच्चा है ना जो, वो अभी भी इनसिक्योर है, उसको अभी भी हंसना नहीं आता है लोगों के आगे। मैं इवेंट में जाती हूँ, सब हंस रहे होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं आपस में, सब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, एक मैं होती हूँ जो मैं व्लॉग नहीं कर रही होती, मैं बोलती हूँ मुझे शर्म आ रही है। एक्चुअल में दिस इज द रीज़न, हाँ अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूँ ना, एक्चुअल में मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी, आई एम इनसिक्योर अबाउट दिस पार्ट ऑफ माई शक्ल, कि मेरे दांत अच्छे नहीं है, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं वो, मतलब आप एक छोटे से बच्चे के माइंड में ये डाल रहे हो कि वो कैसा दिखता है, वो अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है। बच्चा अभी भी हील नहीं हुआ है, आंटियां तो मस्त हैं, आंटियां कुछ भी बोल के पीछे हट जाती हैं, उनको पता ही नहीं कि अगले बंदे के ऊपर या अगले बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। इनसिक्योर बना दिया यार, इतना इनसिक्योर बना दिया कि दांत अंदर होने के बाद भी अभी भी मैं इनसिक्योर हूँ। ये क्या कर रही हूँ, ब्लेंडर ही नहीं मेरे पास, क्या कर दिया यार मैंने जिंदगी के साथ, क्या कर दिया मैंने, नहीं मैंने कुछ नहीं किया वैसे। यार हम अपने आप को क्यों ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। आंटी को पकड़ूंगी देखना इस बार, पूंछ जाके ना आंटी को पकड़ूंगी, मैं दोनों को पकड़ूंगी देखना, ऐसा ऐसा मारूंगी ना इस बार उनको, मारूंगी नहीं मतलब ऐसे थप्पड़ नहीं मारूंगी, बट अपनी जुबान से ऐसा मारूंगी ना। आप बताना कि मेरे को उन दोनों आंटियों को सीधा करना चाहिए कि नहीं, ताकि वो और लोगों को इनसिक्योर ना करें। एक्चुअल में इतना बुरा नहीं लगा जितना वीडियो में दिख रहा है। फिर आता है दोस्त ना बनाने का, कि मैंने दोस्त क्यों नहीं बनाए। पहला रीज़न तो ये है कि आंटियाँ, ठीक है, आंटियों ने मेरे को इतना इनसिक्योर कर दिया बोल बोल के। ऊपर से कुछ टीचर्स भी हैं जिन्होंने मेरे दांत का मजाक उड़ाया, ठीक है, कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझे आगे बुलाकर फिर मेरे को मजाक उड़ाया कि इसको देखो, और बस इतना बोलने की ज़रूरत होती है इसको देखो, और फिर बच्चे अपने आप हंसने लगते थे। एक टीचर ने तो पता नहीं क्या बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसने तब टीवी में एक कैरेक्टर आता था कोई लड़का, ठीक है, वो डॉक्टर था या कुछ था, एक्चुअल में वो डॉक्टर था, ठीक है, वो पढ़ा लिखा था, एंड ही वाज मेकिंग फन ऑफ माय यूनिफॉर्म। मैंने यूनिफॉर्म के अंदर इतनी शर्ट, फुल बाजू शर्ट पहनी थी अलग कलर की, ऊपर शर्ट इतनी थी, उसने मेरे को बुला के बोला कि इसको देखो, है सब बच्चे हंसने लगे, कहता है ये वो कैरेक्टर नहीं लग रहा, कैरेक्टर नहीं मतलब
कैरेक्टर जो भी बोलते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस वाला कैरेक्टर नहीं, ये वाला कैरेक्टर ही लग रहा है जिसने ऐसे किया होता है। ये क्या पहन के आई है, सोटी मेरा मतलब के। तो बच्चे हंसने लगे, बच्चे भी बस किसी भी बात पे हंसने लगते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की, ठीक है, बाय गॉड, भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आज तक 10th तक जितने भी दोस्त बनाने की कोशिश की ना, और जितनों के साथ फ्रैंक होने की कोशिश की, उन सब ने मेरे को एट द एंड पता क्या बोला, तूने अपने दांत देखे जा दांत ठीक करवा। एक लड़की ने बोला था, अपर्णा अपनी स्माइल क्यों छुपा रही है, दिखाना अपने दांत, दिखाना प्यारे से दांत दिखाना। हुआ क्या कि मैं उसके साथ बैठी थी, मैंने सोचा चलो दोस्ती करती हूँ थोड़ी। मैं ऐसा नहीं कि मैंने दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की है। उसने कोई ऐसे हमने कोई फनी बात बोली तो वो भी हंसने लगी, मैं भी हंसने लगी, ठीक है। पर मैं हमेशा ऐसे करके हंसती थी, ठीक है, ऐसे टेबल पे बात कर रही हूँ और ऐसे करके हंस रही हूँ, क्योंकि मेरे को इनसिक्योर इतना बनाया गया है कि मैं बात ही नहीं करती, या तो ऐसे करके बात करती थी या तो ऐसे करके कॉपी रख के बात करती थी और फिर हंसती थी, ठीक है, मेरे को इतना इनसिक्योर बना दिया था। मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ और मैं ऐसे करके हंस रही हूँ, तो लड़की मेरी बाजू साइड करके बोल रही है, अपर्णा दिखाना दिखाना अपने दांत दिखाना, अपर्णा अपने प्यारे प्यारे दांत दिखाना, क्यों नहीं दिखा रही है। और आई वॉज लाइक ऐसे, और मेरे को एक और लड़की 10th क्लास, सोचो कितनी मैच्योर बच्चों की क्लास होती है, ठीक है, 10th क्लास में कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। तो एक लड़की को मैं दोस्त बना रही थी, उसने मेरे को, मैं हंस रही हूँ, ठीक है, अब देखो आप किसी के साथ फ्रैंक हो गए, आप अपना मुंह तो खोलोगे। मैंने उसके सामने अपना मुंह खोला, ऐसे किया, मेरे को लगा कब भी तो कोई बंदा होगा जिसके साथ मैं बात कर पाऊंगी, नहीं किया, और आगे से बोलती दान देखे तूने अपने। एक और चीज कि मेरा एक दान थी वाला, ये वाला, ये काला हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ कि राघव और मैं बचपन में खेल रहे थे, हम बेड पे ऐसे नाच रहे थे, टीवी देख रहे थे, ठीक है, कुछ लगा था टीवी पे, उससे मेरे को धक्का मारा, मतलब खेल खेल में ही धक्का मारा, तो मेरे दांत बाहर थे, तो मेरा दांत ऐसे जाकर लगा टेबल पे, ये टेबल है, और ऐसे करके मेरा दांत लगा और ये दांत हिल गया, ठीक है, ये दांत हिलने लगा। 5 साल तक ये दांत हिलता रहा और घर में किसी ने डॉक्टर को दिखाया नहीं, क्योंकि हमारे घर में ऐसे डॉक्टर को दिखाने का रिवाज नहीं होता। ये दांत मेरा काला हो गया, ठीक है, तब से लेके आज तक ये दांत काला है, अगर मैं ब्रश भी करती हूँ ना तो ये दांत काला रहता है। और फिर काफी लोग मुझे बोलते हैं, अब तो कमेंट सेक्शन में काफी लोग बुली करते हैं कि ए दांत ब्रश किया करना, ब्रश किए बिना आगे दांत रगड़ा कर ये वो, पर उन बातों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरानी इनसिक्योरिटीज इतनी है कि ये वाली बातें कुछ नहीं उनके आगे। ये एक और चीज ऐड हो गई है मेरे ना हंसने में, बल्कि डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर कहता कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको कैपिंग लगेगी ऊपर, बट इट इज नॉर्मल, ठीक है। क्लासमेट्स का बता दिया आपको, बुली करते थे, नलायक भी बोलते थे, नहीं नलायक क्लासमेट्स नहीं, नलायक कुछ घर में कुछ लोग थे जो बोलते थे, क्लास वाले बच्चों को तो पता था कि मैं नलायक हूँ, मुझे नलायक बोलने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। घर में मेरे एक फैमिली में हमारी एक कजन रहती है, उसने मेरे को आज तक हमेशा एक बात से छेड़ा है कि एक तो मैं उसके पुराने कपड़े पहनती थी, इस बात से छेड़ा कि तू मेरी उतरन पहनती है। टीवी में एक शो आता था उतरन, उनके घर में जो काम करती थी उनकी लड़की थी, तो वो उसके अब मालिकों के पुराने कपड़े पहनती थी, वहां से उठा के उसने वर्ड यूज किया उतरन, और उनको बोलती कि चल चल मेरी उतरन पहनती है तू, ये वो, और उनको बोलती थी दंदली कहीं की, दान देख अपने बाहर निकले में ऐसे। वो हमेशा मेरे को मेरी लुक्स के लिए, मेरे कपड़ों के लिए, मेरी हर चीज के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए मेरे को टोकती रहती थी, क्योंकि मैं उससे हर चीज में काफी नीचे थी। उसके बाद मैं 11th में आई, मतलब तब ना मैंने दुपट्टे वाले सूट पहनने शुरू कर दिए ताकि मैं दुपट्टा ऐसे रख के हंसूं, क्योंकि क्लास में ना हमारे एक सर थे, वो ना जोक करते रहते थे, मतलब जोक मारते रहते थे वो सर। क्या हुआ कि वो जोक मार रहे हैं और मैं ऐसे करके हंस रही हूँ, फिर वो सिर्फ मेरे को बोल रहे हैं, अपर्णा तुम ऐसे करके क्यों हंसती हो, मैंने दुपट्टा आगे रखना बंद कर दिया, ठीक है, फिर वो जोक मार रहे हैं, मैं हंस नहीं रही क्योंकि मेरे दांत बाहर थे। तो बोलते हैं अपर्णा तुम हंसती क्यों नहीं हो, या तो उनको पता था कि मैं क्यों नहीं हंसती, या तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं हंसती, क्योंकि मैं अपने दांतों की वजह से नहीं हंसती थी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट की घर पे, तो मेरे को पापा ने तार लगवाई, मेरे दांत अंदर हो गए। अगर कोई इंसान अपने दांतों के लिए इनसिक्योर है ना, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप उसकी आंखों में देख के बात करो, आप उसके ये वाली जगह मत देखो, उसको पता है कि उसके दांत बाहर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको और इनसिक्योर करने की जरूरत नहीं है कि ये तेरे दांत ना ऐसे बाहर है, उसको पता है ऑलरेडी, उसको और इनसिक्योर मत करो, उसको प्यार की जरूरत है एक्चुअली, उसको ब्रेसिस की जरूरत नहीं है, उसको प्यार की जरूरत है। मेरे दोस्त इसलिए स्कूल में नहीं बने, ये भी एक रीजन था, खाली नलायक होना एक रीजन नहीं था, ये मैंने कभी रीजन नहीं बताया। ये वही लिपस्टिक लगाई मैंने, हमको आई हुई है, इसके ऊपर लगाएंगे हम ग्लॉस। कैसे जा रही, बहुत अच्छी। हाँ तो ये थी स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग जो भी था, बताओ कौन सी स्टोरी टाइम थी, स्टोरी टेलिंग जो भी सुन रही थी, सुन रहे थे। हाँ ये स्टोरी टेलिंग पूरी दांतों की थी।
मतलब दांतों के बारे में कैसे मेरे को इनसिक्योर किया गया। अब तो मैं क्यूट लगती हूँ जब मैं स्माइल करती हूँ, बट अभी भी आई एम इनसिक्योर पता है। जब मैं इवेंट में गई थी मैं किसी के सामने मुंह नहीं खोला, ओके बाय, मतलब रेट माय मेकअप आउट ऑफ 10 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 9.9 आउट ऑफ 10 9.9 क्यों 10 क्यों नहीं, ये जो 0.1 जो पीछे कबाड़ डाला हुआ है, कबाड़, अरे कबाड़ कहाँ, ये तो हमारा नजर बट्टू है, नजर बट्टू, ओके बाय। शुंदू शुंदू लग रहा है। कोको मम्मा का ब्रश किया था, ब्रश नहीं किया आज, ब्रश नहीं किया। दांतों के ऊपर बात हो रही है, पूरी स्टोरी टेलिंग होगी यार, जोड़ियो यो किया था, किया था कल तो किया था ना, आज ऐसे उंगली मारी, वो नीम से कर रहा था ना, नीम, हाँ आज नीम से किया था, इसको पानी में भिगो के रख दिया, ये भी आ गया, हैदराबाद की, अरे मेरा फोटो, ये चोमू बैठा हुआ है, चोमू बैठा है, हमारे चोमू बैठा है, ये देखो आपका मेरा फोटो, वाह, थल्ले रख दो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रख दो। एक और बात बतानी थी कि जैसे मेरे को लगता है ना कि मैं पहले एक्सट्रोवर्ट थी बहुत ज्यादा और फिर मैं इंट्रोवर्ट बन गई, ऐसे मेरे को लगता है कि हर बच्चा पहले एक्सट्रोवर्ट ही होता है जब वो एक दो साल का होता है, सॉरी एक दो साल का नहीं, 3-4 साल का होता है, 5-6 साल का होता है, फिर धीरे धीरे उसको ना सोसाइटी इंट्रोवर्ट बना देती है। तो ये होने वाली है एक स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग या स्टोरी टाइम या दोनों बोलते हैं या ठीक है, इतनी कूल नहीं लगती पर ध्यान से देखो तो थामने मतलब स्टार वाइल जब अंग्रेजी नहीं बन रही यार, मेरी स्टोरी टेलिंग खराब हो रही है क्या, क्योंकि मैं किन कामों में लग रही हूँ यार, मतलब बोलते बोलते कौन अपना मेकअप करता है, ये घोड़ा भाग रहा है, उनको तो जैसे पता ही नहीं था कि घोड़ा भाग रहा है, आई एम सॉरी, चुप कर भी। मेरे को सबका थोबड़ा याद है, मेरे को सबकी शक्ल याद है, एक ही बात होती है बहन, सबका थोबड़ा और सबकी शक्ल एक, मैं थोड़ा ड्रामेटिक होने की कोशिश करती है एक्चुअली, हाँ मेरे को सबका थोबड़ा याद है, मेरे को सबकी शक्ल, अरे फिर से वही पॉइंट बेबी।